दोस्तों आज के टाइम में हम में से हर कोई जीमेल के बारे में अच्छे से जानता है। अब जीमेल है क्या? एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप जाकर किसी भी पर्सन को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेल सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो मेल कई टाइप का हो सकता है। वो हो सकता है कंप्लेनिंग मेल, या फिर हो सकता है नॉर्मल अवेयरनेस मेल, या फिर हो सकता है एक इन्विटेशन का मेल। लेकिन क्या आपको पता है कि जीमेल पे आप मेल को एक्सपायरी डेट के साथ भेज सकते हो? अभी एक्सपायरी का मतलब क्या है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि एक्सपायर का मतलब ये है कि हमने कोई भी मेल भेजा और वो अपने आप 2 दिन या 4 दिन बाद जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है उसमें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होने वाला। एक्सपायरी मेल भेजने का सेंस क्या होता है? अगर आप ये चाह रहे हो कि वो जो मेल है वो आगे फर्दर यूज ना किया जा सके, जैसे कि मैंने कोई मेल किसी को भेजा, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो मेल ना ही वो प्रॉपर वे में कॉपी कर सके, ना ही वो प्रॉपर वे में डिलीट कर सके, ना ही वो किसी थर्ड पर्सन को फॉरवर्ड कर सके, तो आप उसमें कॉन्फिडेंशियल लगा के यानी कि एक एक्सपायरी फॉर्म में भेज सकते हो। अब इसमें नॉर्मली वो मेल ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा, बट वो एक्सपायर हो जाएगा जो भी टाइम आप देते हो, उसके बाद वो उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाएगा। ध्यान देंगे, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, 2 बेनिफिट्स है। एक ये है कि जो भी आपने एक्सपायरी डेट दिया है उसके बाद वो उस मेल को यूज नहीं कर पाएगा, उससे पहले यानी कि एक्सपायर होने से पहले ना ही वो उस मेल को कॉपी कर पाएगा, ना ही वो उस मेल को डाउनलोड कर पाएगा, ना ही वो किसी थर्ड पर्सन को फॉरवर्ड कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाह रहे हो कि आपका मेल सिक्योर रहे, या फिर नॉर्मली आप ये चाह रहे हो कि वो बस जाए देखे और किसी थर्ड पार्टी तक शेयर ना हो, तो आप इस कॉन्फिडेंशियल मोड पर एक्सपायरी के साथ उसे भेज सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसे करेंगे कैसे? तो इसके लिए सिंपली हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसका यूज प्रॉपर वे में करके देखते हैं। अब इसके लिए नॉर्मल अगर आप डेस्कटॉप पर यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, मैं दोनों में ही आपको इसका यूज समझा देता हूं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे करके देखते हैं। देखो, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आप आए और यहाँ पे आपने अपना जीमेल ऑन किया। जीमेल ऑन करने के बाद आपको पता है हम कहाँ जाते हैं? कंपोज में, मेल भेजने के लिए। हम यहाँ कंपोज में गए। जिस भी पर्सन को आपको मेल भेजना है, जैसे मुझे भेजना है, मेरी दूसरी आईडी है तो मैं उस पर भेज देता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया। इसके बाद मेरा मेल जो भी है मैंने ये डाल दिया, जैसे इन्विटेशन या फिर पर्सनल कंटेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, टेक्स्ट हो गया, या फिर कोई फाइल आपको अटैच करनी है तो वो हमने अटैच कर दिया यहाँ पे। जैसे कि यहीं पे मैं गया, इस अटैच मोड पे क्लिक किया, तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, मे बी आपने किया होगा। तो जो भी चीज़ है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद अब आता है एक्सपायरी मोड कैसे लगाते हैं। देखो, नॉर्मली आप यहाँ पे एक टाइमर का ऑप्शन देख पा रहे हो, ध्यान दे रहे हैं आप? ये जो टाइमर का ऑप्शन है इस पर क्या लिखा है? टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन या ऑफ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहां देखो कॉन्फिडेंशियल मोड, इसमें क्या है? सेट एक्सपायरेशन, यानी एक्सपायरेशन डेट कब क्या डालना चाहते हो। तो हमने बोला एक्सपायर इन 1 डे या 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर्स, कब? तो हमने बोला कि हमें 1 दिन बाद ये जो मेल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। अब इसमें आगे कोई भी चेंजेस मत करो आप, नॉर्मली नो SMS कोड पे क्लिक करके आपको सेव करना है। अब देखो, जैसे मैं इसे सेव पर क्लिक करता हूं, आप गौर करेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसिपियंट यानी जिस पर्सन को भी ये मेल मिलेगा वो ना ही इसको फॉरवर्ड कर पाएगा, ना ही कॉपी कर पाएगा, ना ही प्रिंट कर पाएगा और ना ही डाउनलोड कर पाएगा। यानी कि अगर आपका कोई बहुत ही पर्सनल मेल है, इंपॉर्टेंट मेल है जो आप चाहते हो उसी तक सीमित रहे, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसका वो कोई भी फर्दर यूज नहीं कर पाएगा एक्सटर्नली बिहाफ पर। तो ये करने के बाद आपको सिंपली सेंड करना, ये मेल उस तक चले जाएगा। अब यही चीज अगर आपको फोन पे करनी है तो फोन पे आप जीमेल का अपना नॉर्मली जो आइकन होता है या फिर जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको क्लिक किया और जहां पे आप उसे सेंड करते हैं वहीं पे नॉर्मली जो 3-डॉट साइन होता है यानी कि ऑप्शन साइन जो होता है, सिंबल होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कॉन्फिडेंशियल का ऑप्शन आपको वहां मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप ये सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ, एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।